YouTube चैनल ASRD एक्सपर्ट में और आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज हम शूट कर रहे हैं 2nd of August को और एक बहुत बड़े सवाल का आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्या गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। देखिए, आपने जुलाई एंड की सीरीज में अप्रोक्सीमेटली 53,000 रुपये का रेट कार्ड देख चुके हैं गोल्ड के अंदर में। जब हमने 3 महीने पहले अराउंड में वीडियो बनाई थी, 44,000 से भी नीचे का रेट कार्ड चल रहा था, तब भी 50% के अराउंड पे गोल्ड आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करा था कंसिस्टेंट बेसिस पे। अगर अब देखते हैं 1 साल के टाइम होराइजन के अंदर में तो आपकी जो रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली 55-65% के बीच में मिल रही है डिफरेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू भी अगर आप देखें। और आपको मैं दोबारा से कुछ छोटे से क्रक्स बताने की कोशिश करूंगा, क्यों गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, गोल्ड के प्राइसेस कब तक ऊपर जा सकते हैं, क्या आने वाले टाइम पे आपको सेम रिटर्न मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस ब्रेकअप में करें, लमसम करें या SIP करें, इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्टली स्नैपशॉट लेंगे उनका कि कहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सॉवरेन गोल्ड फंड की स्कीम जो कल से स्टार्ट होने वाले 3 अगस्त से, उसको एक ब्रीफली रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या गोल्ड के टारगेट हो सकते हैं साल के एंड तक या अगले साल के एंड तक। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट कि जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड का रेट जो करेंटली है वो अप्रोक्सीमेटली 53,700-800 के अराउंड में चल रहा है। तो इस रेट कार्ड के ऊपर में गोल्ड अभी भी अट्रैक्टिव है कि नहीं, तो इसका आंसर हम थोड़ा सा पीछे जाके अगर चेक करें तो गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़े हैं। अगर आप एक अपनी सोशल लाइफ के अंदर में देखो, गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आप सब लोगों ने बचपन से अपनी फैमिली को ट्रेडिशनली देखा होगा गोल्ड को कंजर्व करते हुए। गोल्ड को हमेशा एक वैल्यू के संग दिखाते हैं, पुरानी फिल्मों में भी देखोगे तो वह पैसा जब जरूरत पड़ती है इमरजेंसी तो इमीडिएटली हाथ के कंगन उतार के या सोना इकट्ठा करके उसको सेल ऑफ करते हैं, क्योंकि इमीडिएटली लिक्विडेटेड होने वाली मतलब कैश के इक्वल टू वैल्यू करता है गोल्ड। और एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू कभी नहीं मरती है। मतलब अगर आप बोलें किसी से कि भाई आज से 40-50 साल पहले आपकी तनख्वाहें कितनी होती, तो कोई बोलेगा 100-200 रुपये में पूरा घर चल जाता था। तो उस जमाने के रेट देखोगे तो आपको दिखेगा कि 100-200 रुपये के अराउंड में आपको गोल्ड मिल रहा होगा, 5-10 ग्राम के अराउंड में, 1 तोले के अराउंड में जो गोल्ड था। तो गोल्ड क्या करता है, अपने रेट को वैल्यू को मेंटेन करता हुआ चलता है। तो गोल्ड की इसी क्वालिटी की वजह से जब भी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर में ज़्यादा आ जाती है, आपको फुल्ली SOT के साथ में कहीं और से रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं, तो आप गोल्ड की तरफ जाते हैं क्योंकि वो आपकी वैल्यू को प्रिजर्व करके चलता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर में 100 रुपये को जमा करते हैं, अगले साल अगर आपको उसके ऊपर ब्याज मिलकर 103 रुपये मिलते हैं, तो वो 100 रुपये की कीमत तब तक डेप्रिसिएट होकर महंगाई भत्ते के कंपेरेटिवली, अगर आप देखें महंगाई बढ़ोतरी के अकॉर्डिंगली, तो उसकी 100 की कीमत अप्रोक्सीमेटली 106-107 होनी चाहिए, जबकि आपको 103 मिलता है, तो आपके रुपए की कीमत डेप्रिसिएट हो जाती है सेविंग अकाउंट के अंदर में। सो डू वो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर में, जहां पे कि आपको 5% के अराउंड मिल रहा है। अगर आप US के लेवल पे जाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है, मतलब इंटरेस्ट का जो रेट चल रहा है, वो 0% के अराउंड में इंटरेस्ट रेट जा चुका है। और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट 4-5% के अराउंड में फ्लोट कर रहा है। तो ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, ये गोल्ड परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो गोल्ड परचेज करने से क्या होता है, आपके जो रुपए की कीमत है वो मेंटेन रह जाती है, और आप अगले साल जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी मार्केट के थ्रू कमाने की, तब आपको वहां पे लगाया जाता है। अब कई लोगों के सवाल होते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो कंपैरेटिवली काफ़ी तेजी से फ्लोट कर रहा है, अगर आप देखें जो डिप आया था मार्च के अराउंड में, 23rd-25th मार्च के अराउंड में 7,500 तक मार्केट गिर गई थी, और उसके बाद में कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे 4 महीने पिछले बीत चुके हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जैसे आप देखें, तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअसली आपका 11,200-11,300 के अराउंड में शेयर मार्केट भी चल रहा है। तो हर एक को लग रहा है कि मार्केट में डेवलपमेंट हो चुकी है, मार्केट स्टेबल हो चुकी है, अच्छा हो चुका है, जबकि आप रियल टाइम पे देखें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर लास्ट वीक की ही अनाउंसमेंट देखें तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आके अनाउंसमेंट करी कि जो देश की GDP है और देश की स्टॉक मार्केट है, दोनों सिमिलर बेसिस पे नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट देश की GDP को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे नंबर्स थोड़े हायर साइड पे चल रहे हैं। ये सारा एक अगर बड़ा रीज़न देखा जाए तो इसके पीछे रीज़न जो आता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है काफ़ी फ्लश करी गई है। आप FII की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो US की तरफ से भी जो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मार्केट में बहुत पैसा डाला गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पैसा डाला है, क्योंकि इमीडिएट लेवल पर उनको सिचुएशन को वो थोड़ी सी हैप्पी साइड में दिखाना है कि सब चीज़ इंप्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है, जबकि आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखा होगा कि काफ़ी सिचुएशन काफ़ी डाइसी है। मतलब आप लोगों के अगर सैलरी क्लास के अंदर में आप काम करते हैं तो
आपको पता होगा कि आप लोगों की जो सैलरी में इस साल के इंक्रीमेंट्स होने होंगे मार्च अप्रैल के टाइम पे, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुए, काफ़ी सारे लोग अपनी 30-40% सैलरी डिडक्शन के संग में काम कर रहे हैं, या जिनकी नौकरी बाई चांस भगवान की ना करें किसी का अगर नौकरी गई है तो इस समय नई नौकरी मिलने में प्रॉब्लम हो रही, तो सिचुएशन कोई ग्लूमी नहीं है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारा पैसा अपना गोल्ड के अंदर पार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन जो डिमांड है वो ज़्यादा है, जबकि कंजम्पशन की डिमांड बिल्कुल निल है। इस चीज़ को समझिए, कंजम्पशन की डिमांड बिल्कुल निल है और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन डिमांड ज़्यादा है। कंजम्पशन की डिमांड कौन सी होती है, जैसे हम अपने लिए जैसे कोई भी आप गोल्ड का आइटम खरीदते हैं, अंगूठी खरीदें, कुंडल खरीदें, हार खरीदें, या गोल्ड का कुछ भी आइटम खरीदते हैं शादी ब्याह त्यौहार में, वो सारी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सुनार की दुकानें तक भी नहीं खुल रही हैं, उनकी डिमांड सेल बहुत कम है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप आ चुका है, जबकि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो पैसा कौन लगा रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो बहुत बड़े बिग इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं जिनके पैसे रहते हैं वो ज़्यादातर पैसा गोल्ड के अंदर लगा रहे हैं। उसके अलावा कौन लगा रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हर देश के जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सा होता है, जैसा इंडिया के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे हर देश के सेंट्रल बैंक से वो गोल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अच्छा गोल्ड होगा उतने देश की जो रुपये की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आपकी स्ट्रांग हो जाती है, और काफ़ी सारे बड़े बैंक्स भी अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जो आगे लोन देते थे तो उसमें उनको लग रहा है कि एनपीए का खतरा हो सकता है, नॉन पेइंग एसेट बन सकती है, तो वो भी गोल्ड के अंदर में एक अच्छा पोर्शन को पार्क करते जा रहे हैं मंथ ऑन मंथ। जो बड़े लोग हैं वो इस पिक्चर को समझते हैं कि भाई गोल्ड के अंदर में सेविंग रहने वाली है। तो ये पूरा एक मैं आपको एक दो मिनट का सिनारियो आपको बताने की कोशिश की, जहां बताना चाह क्यों गोल्ड के अंदर में इतनी स्ट्रांग डिमांड है और क्यों ये खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे भी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। आप एटलीस्ट नवंबर दिसंबर का टाइम लीजिए, जब तक कि यूएस के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आपको मार्केट में इसी तरह के फंड का फ्लक्स जो पैसा डाला हुआ है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक मार्केट को ब्लूम करा जा रहा है, क्योंकि वहां पे देखिए चुनाव होने वाले हैं, तो जो प्रेसिडेंट के हाथ में वर्ल्ड की पावर है वो वर्ल्ड में इकोनॉमी को नहीं गिरने देगा, दिखाने के लिए कि सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छे से मैनेज कर रहा हूं, तो उसी तरह से मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी किसी भी तरह से मार्केट को ऊपर उठाए हुए रखा हुआ है, और जैसे ये जाएगा नीचे गिरेगा, इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर हैं, इनफैक्ट मिस्टर वॉरेन बफे को भी अगर आप देखेंगे तो किसी तरह की नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो आपको समझ सकता है कि मार्केट में सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, किसी भी टाइम पे स्टॉक मार्केट गिर सकती है, बहुत बुरी तरह से गिर सकते हैं। तो ऐसे में आप गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं एटलीस्ट अगले छः महीने से लेकर अगले साल एंड तक, मतलब 1.5 से 2 साल गोल्ड के बहुत अच्छे होने वाले हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सीधा बात आती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप फिजिकल गोल्ड को परचेस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप छोटी छोटी अमाउंट करके ही परचेस कर सकते हैं। आप सुनार के पास जाके तो 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम सोना नहीं खरीद सकते ऐसे टुकड़ों में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, यहाँ पे सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आपको कुछ गोल्ड के म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, देखिए ये टॉप लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड को मैंने थोड़ा अलग से हाईलाइट करा है, और बाकी सारे हैं जैसे इन्वेस्टको, SBI, HDFC, कोटक, IDBI का है, निपोन इंडिया, क्वांटम, एक्सिस गोल्ड फंड, आदित्य बिल्ला और ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर फंड, जो जितने भी प्लान है हमारे गोल्ड फंड हैं सारे डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ प्लान के अंदर में हम इन्वेस्टमेंट करने की सजेशन करेंगे आपको। मैंने एसेट अंडर मैनेजमेंट पर आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एसेट इसमें इन्वेस्टेड है लोगों की। यहाँ पे की पॉइंट में अगर आपको दिखाऊं तो आप अगर ध्यान से देख सकें तो आप सीधा पहले अगर इसके अंदर में आएंगे एक साल के टाइम होराइजन के अंदर में देखेंगे तो DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड की जो रिटर्न्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 65% की रिटर्न्स आपको दिखाई दे रही हैं, और बाकी जितने भी फंड हैं चाहे आप बिल्कुल ICICI प्रूडेंशियल से स्टार्ट करके इन्वेस्टको तक जितने भी देखेंगे वो 54-55% के बीच में ही रिटर्न्स दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 2 साल का रिटर्न्स देखेंगे सबकी रिटर्न 33% के अराउंड में ही है, और उसके अलावा 3 साल में 23% की रिटर्न सबकी है, और 5 साल में 15% की रिटर्न सबकी है। तो यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल जो मेरे को कमेंट में काफ़ी सारे लोगों को आता है उसका आंसर ये है, कौन सा फंड लें जिसमें हम इन्वेस्ट करें,
कोई सा भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, सबकी परफॉर्मेंस बराबर होगी। बाकी सारे म्यूचुअल फंड में हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो बेस इन्वेस्टमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब इक्विटी के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में 3000 कंपनीज है जिसमें से कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। सेम कंपनीज भी चूज कर लेता है तो उनकी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी जो बेस आइटम है वो सोना है। सोने का एक स्टैंडर्ड रेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तो उसी की वजह से इन सबके रिटर्न सिमिलर है। एक्सपेंस रेशो को आप नोटिस कर सकते हैं, तो सब में अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशो आपको मिलेगी 0.12 से लेकर 0.30 के बीच में, जो बहुत ही मिनिमम साइड पर है, बहुत सेफर साइड पर है। आप यहाँ पे कभी भी लगा सकते हैं, आपको एग्जिट लोड में ज़्यादातर जगह पर पेनल्टी नहीं मिलेगी, यही तो आपको ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इसके अलावा ये डायरेक्ट टैक्स के अगर इसके टैक्सेशन के अंदर में देखेंगे तो आपके इनकम में जो भी प्रॉफिट होगा वो ऐड हो जाता है, वहाँ पे आप टैक्सेशन का बेनिफिट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड को क्यों स्पेसिफिकली हाईलाइट करा, क्योंकि ये जो बाकी थे ये कमोडिटी ड्रिवन, मतलब डायरेक्टली गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, ये इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड स्कीम के अंदर में आता है DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड। ये इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वर्ल्ड ओवर, जो माइनिंग फंड्स हैं जो गोल्ड माइनिंग्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनके ऊपर में डालता है, नॉर्थन अमेरिका, मैक्सिको, अलग अलग देशों में जो भी फंड्स हैं उनके स्टॉक्स को परचेज करता है, और ये डेफिनेटली एक गोल्ड के अकॉर्डिंगली मूव करता है। अगर आप लॉन्गर टाइम होराइज़न में देखोगे 23% की रिटर्न है, सेम है, लेकिन अगर छोटे टाइम होराइज़न का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लेके चल रहा है ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड के कंपेरेटिवली। एक साल के अंदर में 65% की रिटर्न, जबकि बाकी सबकी 54% की एवरेज है। यहाँ पे 6 महीने के अंदर 53% की रिटर्न है, बाकी सबकी 31% की। आपको चूज करना है कि आप क्या परचेज करना चाहते हैं, ये थोरली आपकी चॉइस होगी। अभी तक मैं आपको कहता था ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी है, तो इसकी रिस्क साइड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं जिस तरह से इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है, तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क में गिन सकते हैं और रिटर्न थोड़ा हायर साइड में कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला आ गया कि हमारा सवाल ये क्या गोल्ड आगे अच्छा करने वाला है, तो डेफिनेटली अच्छा करने वाला है, क्योंकि हमारे को ये उम्मीद है कि जो पिछले टाइम के अंदर में हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड रही गोल्ड को लेकर वो अच्छी रहेगी। हाँ वो अच्छी रहेगी, वो आने वाले टाइम के लिए भी अच्छी रहेगी, एटलीस्ट 2 साल तक आपको सियोरिटी रह सकती है कि गोल्ड शायद अच्छे से बूम करे। अब उसके बाद में हमने सेकंड सवाल कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हमने बात करी कि म्यूचुअल फंड हमें कौन से म्यूचुअल फंड है, कौन सा चूज कर सकते हैं, कोई सा भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस मेटल सेम है। वर्ल्ड गोल्ड फंड, DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड क्यों अलग है, किस तरह से उसकी रिटर्न परसेंटेज अलग है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर में सॉवरन गोल्ड फंड एक स्कीम आती है गवर्नमेंट की, ये जो कि कल से ओपन हो रही है। अगर मैं आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें भी डिटेल्स दे रखी है। 5380 समथिंग का रेट उन्होंने डिक्लेयर करा है पर ग्राम गोल्ड के अकॉर्डिंगली। यहां पे आप पर ग्राम गोल्ड के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बैंक के वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर ग्राम मल्टीप्लाइड बाय इनटू पर ग्राम करके जितना कर सकते हैं, 4 किलोग्राम तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको गोल्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो आपके पास आएगा। और यहाँ पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, गोल्ड की जो भी रिटर्न्स होगी उसके ऊपर में 2.5% का एडिशनल बेनिफिट हर 6 महीने के अंदर में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन एक ही कंसर्न है वहाँ पे कि 8 साल का लॉक इन पीरियड है, वो आपको कंसिडर करके चलने पड़ेगा। 8 साल के बाद में आपको अपना पूरा पैसा गोल्ड के इक्वल प्राइस के अकॉर्डिंगली ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको सॉवरेन गोल्ड फंड को रिगार्डिंग में एक इन्वेस्टमेंट थी। अब इसके बाद आते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, क्या हमको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके जवाब में हमेशा बिल्कुल सिंपल देना चाहता हूं, कोई भी चीज जिसका रेट फ्लक्चुएट होता हो, ऊपर नीचे जाने वाला हो, तो वहां पे आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू अप्रोच करनी चाहिए। जैसे कि इक्विटी ड्रिवन जो आपके स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर आपके ये गोल्ड वाला कमोडिटी ड्रिवन म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आपके डेट फंड्स होते हैं जहाँ पे फिक्स मैच्योरिटी या फिक्स अमाउंट आपको रिटर्न मिलना है, या FD हुई, तो वहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो लमसम में करनी चाहिए, क्योंकि पैसा इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है और सिक्योर साइड पर है, रेट सेम मिलते हैं आपको। अब बात आती है कुछ लोग जिनके पास में 50,000-1,00,000 रुपए इमीडिएट पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से इन्वेस्टेड हो जाएं, तो वो लोग क्या करें, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में जो अपनी SIP की अमाउंट है थोड़ा हायर साइड पर रख लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका टारगेट है 5,000 रुपए की SIP के थ्रू मेरे को 60,000 साल में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, SIP करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपए है तो शुरुआत में 15,000 रुपए की SIP वीकली बेस पे कर लीजिए, ताकि आपको 4 हफ्ते का बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी जाता है तो आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपकी पूरी अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगी और उस टाइम के अंदर का सबसे अच्छा बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो SIP के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं और थोड़ी सी अमाउंट 2,000-5,000 रुपए करके इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी रहने वाली है SIP के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू।
आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। एंड टारगेट्स क्या रह सकते हैं, देखिए साल के एंड में या अगले साल के बीच तक आपको टारगेट जो एग्जाम से उम्मीद है वो है कि 80,000 तक का भी टारगेट जा सकता है। देखिए अभी 53,000 के रेट में रेंज में गोल्ड चल रहा है, इस महीने के एंड तक के टारगेट जो एक्सपेक्टेड हैं ज़्यादातर ब्रोकर फर्म्स के थ्रू 56,000 से 57,000 के बीच में ज़्यादातर लोग टारगेट्स दे रहे हैं। 53,000 रुपये के रेट में चल रहा है। अगर सोना नीचे को भी जाता है तो उसका रेट 50,000 को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बेस बना चुका है, तो 50,000 से नीचे जाने के चांसेस किसी भी तरीके से नहीं है। अगर नीचे भी जाएगा तो डिप में और ज़्यादा परचेस कर सकते हैं, ये डेफिनेटली 56,000 से 57,000 की रेंज में जाता है, अगर उसको तोड़ेगा तो उससे ऊपर कंटिन्यूस बेस पे जाएगा। ज़्यादा बढ़ने के चांसेस और क्यों बोल सकते हैं पिछले के कंपेरेटिवली, क्योंकि अब कंजम्पशन डिमांड को भी मार्केट में आने की उम्मीद है। जिस तरह से लॉकडाउन ओपन हो रहा है, थोड़े थोड़े से सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और इंडिया के अंदर में जो खास करके रक्षाबंधन के बाद में फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है, चाहे रेस्ट्रिक्टेड मोड पर ही आप यहाँ पर सेल परचेज करें, पर आपको और डिमांड मतलब कंजम्पशन साइड की डिमांड में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से मेरा एक टोटल व्यू था गोल्ड को लेकर, है क्योंकि 3 महीने हो चुके थे मैंने गोल्ड पे एक दो वीडियो बनाए, लेकिन काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे गोल्ड के रिगार्डिंग में, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आज की वीडियो में ज़्यादातर सवालों को आंसर करने की कोशिश करी है। अगर आपका कोई और सवाल बच जाए तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अपने हर सवाल का आंसर करने की और डायरेक्ट, ताकि आपका और मेरा कनेक्शन बन सके, आपके कोई सवाल हैं जो इसमें कवर नहीं हो सके तो